हर एक इंसान एक वक्त पर ये जरूर सोचता है कि जिस राह पे मैं जा रहा हूँ, क्या वो राह मेरे लिए, वो रास्ता मेरे लिए सही है कि गलत है। आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एक ऐसा नायाब तरीका, एक ऐसा जबरदस्त तरीका, एक ऐसा पुराना तरीका कहते हैं ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिस राह पे आप जा रहे हो आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, पानी खुद बताएगा कि आपका जो रास्ता है वो सही है या गलत है, आपको बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो इंसान आपके लिए सही है या गलत है। इस रास्ते पे चलोगे, इस रास्ते पे कहते हैं ना, अगर रुकावटें आ रही है, क्या मुझे डटे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर ये चीजें हमको पता चल जाए, आज जो चीज बताने जा रही हूँ ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये एंशियंट टाइम से चल रही है। लेकिन कहते हैं ना, आज की डेट में जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं, हमको जो असली तरीका है उससे हटते चले जा रहे हैं, जो नकली तरीका है उस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि कहते हैं ना, पानी आपके सवालों का कैसे जवाब देगा। 100% है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी चीज़ इधर की उधर हो गई तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। अब इसके लिए हमको क्या चीज़ चाहिए? अब इसके लिए हमको चाहिए एक पेपर और एक पेन। सीधी बात है ना। अब आपने क्या करना है, आप जिस कहते हैं ना, जिस पावर को, जिस सुप्रीम पावर को बहुत दिल से मानते हो, जैसे कई लोग मानते हैं शिव बाबा को, तो आपने क्या लिखना है, ओम रुद्राय नमः। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, जिसमें भी लिख लो। ओके, ये मैंने लिख लिया, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ये लिख दिया। ये तीन बार लिखा है मैंने, है ना। आप जैसे मानते हो हनुमान जी को, ओम हनुमंताय नमः लिख देना, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ऐसे लिख देना। सीधी सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप दुर्गा माँ को मानते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे करके आपने तीन बार कहते हैं ना, जिस सुप्रीम पावर को आप दिल से मानते हो उनका नाम आपने लिख देना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब जिस चीज का आप मालूमात करना चाहते हो, जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए जॉब जो है क्या वो सही है या नहीं, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये व्यक्ति, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, क्या वो इंसान जो है वो सही है या गलत है या ठीक नहीं मेरी बेटी के लिए, यहाँ पर मैं पैसे देने का, इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, क्या मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। सीधी बात है ना, हर एक इंसान ये चीज मालूम करना चाहता है, लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं है, हम इधर भटकते उधर के भटकते हैं। सीधी सी बात है, अब भटकना छोड़ दो। ये जो एक चीज है कहते हैं ना, हम आज आपको ये प्रूव कर देगा कि हमारे आसपास बहुत ऐसे फरिश्ते हैं, हमारे आसपास बहुत ऐसी शक्तियां हैं जो हमको जवाब देने के लिए बैठी है। लेकिन वही बात आ गई, फिर सीधी सी बात है ना। तो ये तीन बार लिखकर अब बड़े ध्यान से सुनना। अब आपने अपनी इंटेंशन सेट कर दी है ना, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये रहा इसका मिड पॉइंट है ना, मिडल पॉइंट ये हो गया, ना आगे ना पीछे, ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल मिड पॉइंट पे। आपने जिनको मानते हो, जिनका नाम इधर लिखा है, उनका जप शुरू कर देना है, उनका जप जप जप। जैसे मान लो हमले अब जैसे आप फॉर एग्जांपल हनुमान जी का कर रहे हो, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, थोड़ा टाइम जप जप जप। जैसे शिव बाबा का कर रहे हो, ओम होम जूम स, ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योत्मोक्षी मामृतात् ओम स्वः भूभुवः ओम सह जूम होम ओम ओम होम जूम स ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम् यजामहे, जप 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 जप, 2-3 मिनट तक करते रहो इंटेंशन पे सेट करके कि मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए, कृपया मुझे ये जवाब दीजिए। आप समझे मेरी बात को, ये आपने कर देना। आप मान लो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः लिखा है, तो वो कौन सा जप कर सकते हैं, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जैसे जो सिख धर्म फॉलो कर रहे हैं, वाहे गुरु
वाहे गुरु लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जप किसका करोगे आप? प्रभ के सिमरन रितसित नौनित, प्रभ के सिमरन रितसित नौनित, प्रभ के सिमरन रितसित नौनित। सीधी सी बात है। अब मान लो जो इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं, आपने बस अल्लाह ताला के तीन नाम लिख देने हैं, है ना। आप दरूद शरीफ पढ़ लो, है ना, दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के अब आपने क्या करना है, आप सबको क्लियर हो गया। दरूद शरीफ पढ़ सकते हो, सूर्य फातिहा पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी कहते ना, जो चीज़ आपको आपको अंदर से लगे कि मेरे को ये करना चाहिए, आप वो उस हिसाब से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने ये जो पर्चा है ये मिड पॉइंट पे रख देना है। अब आप जप दोबारा से स्टार्ट करोगे, अब दोबारा से स्टार्ट करोगे, जो भी जप करना चाहते हो, जो भी जप। और पूछो, ये जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मैं मालूम करना चाहता हूँ, इसका आप सही जवाब दो और जप शुरू कर दो। जप 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 इसको अब आप करते जाओगे, अब आप देखोगे कि ये जो पानी है आपका जवाब देगा। ये ऐसे बहुत तरीके हैं, ऐसी बात नहीं। आपको मैं एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी, बस ये देख लेना। ये आपके द्वारा ये पानी हिलना ना चाहिए, ये अपना जवाब खुद देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप जप करते रहो, जप करते रहो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब एक चीज बता देती हूँ, थोड़ा टाइम तक आपको करना पड़ेगा। अब जब तक ये कहते हैं ना, कहीं पर टक्कर ना खा जाए, आगे पीछे एक किनारे पे ना आ जाए। अब आप देख ही रहे हो, आहिस्ते 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 जवाब आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत। लेकिन आपको हिलाना नहीं है, बस जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो। आप वो भी शिव बाबा का कौन सा कर सकते हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब ये आहिस्ते आहिस्ते देख रहे हो, ये हिलना शुरू हो गया है कि नहीं, इसका इसका अपना जवाब आना शुरू हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, इसका जवाब का आंसर क्या है, ये भी अपने अंदर इंटेंशन सेट करना। सीधी सी बात है। अब मान लो ये जो कागज है ये राइट पे आ गया, इस कहते हैं ना, इसका क्या जवाब है, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। जब वो टक्कर खा जाए राइट पे, तो कहते हैं ना बेधड़क जो करना चाहते हो, जहां पर कहते हैं ना अपना कदम उठाना चाहते हो, बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना आपको जो उस चीज का परिणाम आएगा एकदम बेस्ट एंड बेस्ट आएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब मान लो ये लेफ्ट पे आ गया, ये थोड़ा कैमरा उल्टा है तो उसको वो मत सोचना, है ना। अब मान लो ये लेफ्ट पे आ गया, तो इसका जवाब ना है। यहां पर अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं तो वो चीज कहते हैं ना हमारे हमारे सोल के लिए, हाइएस्ट गुड के लिए नहीं। पक्की बात, पक्की बात। अब मान लो इसका आगे आगे को बढ़ रहा है, ये आगे का टक्कर खा गया, है ना, ये आगे का टक्कर खा गया, तो इसका जवाब क्या है कि रास्ते खुलेंगे लेकिन थोड़ी अड़चने आ सकती हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये जवाब ना है, थोड़ा सा जिद्दोजहद करना पड़ेगा, लेकिन जिद्दोजहद के बाद जो सक्सेस है वो पक्की है। सीधी सी बात है। अगर ये जो ट्रैवल है ये ट्रैवल कर गया पीछे, तो क्या न्यूट्रल है। मतलब अगर जो चीज आप चाहते हो, है ना, उसको बिल्कुल हर चीज का पता वता कर लो, इसका जवाब न्यूट्रल है, ना हाँ ना ना। मतलब अगर करते हो तो भी ठीक ठीक, अगर नहीं भी करते तो भी ठीक ठीक। सीधी बात है। तो और रास्ते खुल जाएंगे। तो अगर हमारा राइट आता है तो यस है, अगर हमारा लेफ्ट आता है तो इसका क्या मतलब हो गया, लेफ्ट का मतलब बिल्कुल ना हो गया। आगे अगर आ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना थोड़ी सी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका जवाब ना है। और ये चीज अब करके देखो, इसका जो रिजल्ट, इसका जो कहते हैं ना जवाब है, अभी तक तो मैंने इंटेंशन ही सेट नहीं करी थी, लेकिन वाकई में अगर प्योर इंटेंशन, कई लोग ना वो उसको चेक करने के लिए देखते, चलो हम देखते हैं इसका आंसर, क्या बातें कर रही हो है। ये चीज अगर इंटेंशन प्योर है, अगर दिल से कुछ मालूम करना चाहते हो तो जवाब पूछो। कई लोग चेक करने के लिए, अच्छा
देखते हैं। फिर तो भैया मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है ना पाशा लोगो। आई होप ये एक डिफरेंट चीज थी। ऐसे तो बहुत बहुत चीजें हैं, एक चीज नहीं है, ऐसी बहुत चीजें हैं, एक से पढ़कर एक चीज बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी लाल किताब रेमेडीज की जो कोर्स है वो कल परसों तरसों से 2-3 दिन में शुरू होने वाला है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का भी इस हफ्ते में शुरू होने वाला है। और मैग्निफाइड हीलिंग जो है, अपने नर्वस सिस्टम को हील करो, कहते हैं ना मस्तिष्क के जहाँ पर सारे ग्रह के प्रभाव आ रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ को हील करो, अपने डीएनए को हील करो। एक बार मेरी बात मान के ये हीलिंग सीखो, आपकी जिंदगी ना सवर गई तो मुझे बोलना, सीधी सी बात है। ठीक है पाशा लोगो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।